हनुमानगढ़ के नौहर से, जहां पर जिले में नवागत पुलिस अधीक्षक राजीव पचार ने जिले के कई थानों का निरीक्षण किया है। जिले में दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक ने रावतसर, खुइया, नौहर थानों का निरीक्षण कर चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले का दौरा किया गया है, जिसमें समस्त पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। तो पुलिस की तरफ से तो तैयारियां की जानी है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने की। उनकी समीक्षा थाना स्तर पर बैठ के की गई है कि किस तरह की तैयारियां हैं। इसके अलावा अपना हरियाणा के साथ बॉर्डर लगता है, तो उस बॉर्डर पे जो नाके लगे हुए हैं ताकि वहाँ से कोई अवैध सामग्री, मादक पदार्थों की तस्करी नहीं हो, उन नाकों को भी चेक किया है। सभी अधिकारियों को शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों से भी इस मामले में अपील है कि यदि आपके पास किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि की सूचना आती है तो पुलिस को बताएं, या सी विजिल एक ऐप है चुनाव आयोग का, उस सी विजिल को अपने मोबाइल पर अनिवार्यता डाउनलोड करें और किसी प्रकार की शिकायत को इसमें डालें। 100 मिनट में आपकी समस्या का समाधान होगा। आमजन से, सभी प्यारे नागरिकों से मेरी ये भी अपील है कि मतदान में अधिकाधिक भागीदारी अपनी निभाएँ, ये लोकतंत्र का अहम स्तंभ है। निष्पक्ष होके और भयमुक्त होके अपने